हेलो गाइस वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉम्पटेरिया कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं हारा वही जो जमकर लड़ा नहीं गाइस इन द प्रीवियस लेक्चर ऑफ एनवायरनमेंट इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी वी डिस्कस डेकम्पोजर्स ऑमरस एंड कंज्यूमर्स प्रोड्यूसर्स एंड मैनी मोर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द वेरी 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 इम्पॉर्टेंट टॉपिक मृत पोशी अपघटक मृत पोशी अपघटक एक प्रकार के परपोषी होते हैं और ये भोजन का पाचन नहीं करते ये मृत पदार्थों पर अपने एंजाइम का स्राव करके उनको अपघटित कर देते हैं और इस प्रक्रिया से प्राप्त सरल अकार्बनिक पदार्थों की कुछ मात्रा का सीधे अवशोषण कर लेते हैं और शेष पदार्थ पौधे के लिए पोषण का कार्य करने लगता है बैक्टीरिया और कवक इसी प्रकार की श्रेणी में आते हैं जो मृत पोषी या घटक की श्रेणी में होते हैं और गिद्ध को घटक कहा जा सकता है क्योंकि ये मृत जीवों का भक्षण करता है जीवी और अजीवी घटकों के मध्य संबंध स्थापित करने वाले घटक को ही आप घटक कहते हैं कवक बैक्टीरिया और गिद्ध अब घटक की श्रेणी में आते हैं आप घटन की क्रिया मृतोपजीवी कवकों और जीवाणुओं द्वारा होती है अकार्बनिक और कार्बनिक भाग मिलकर निर्जीव वातावरण का निर्माण कर देते हैं जो सर्वाहारी होते हैं वो सर्वोच्च पोषण स्तर में आते हैं इस प्रकार से हम स्पष्टता कर सकते हैं कि जैविक और अजैविक घटकों के बीच पदार्थों के आदान प्रदान से एक सूक्ष्म संतुलन पर आधारित चक्री परिस्थिति की तंत्र का निर्माण होता है और किसी एक घटक की हानि संपूर्ण परिस्थितिक तंत्र को दुष्प्रभाव प्रभावित कर सकने की क्षमता रखती है नाव वे डिस्कस द फूड चेन ये जीवधारियों की ऐसी श्रृंखला होती है इसमें एक जीवधारी दूसरे का उपभोग करता है और दूसरे का आहार बनता है खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है प्राथमिक उत्पादक हरे पौधे होते हैं प्रथम द्वितीय और तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता और अपघटक के एक दूसरे के भच्छक या भोज के रूप में संबंधित रहते हैं यह आपस में मिलकर खाद्य श्रृंखला का निर्माण करते हैं मैं आपको बता सकता हूँ कि प्राथमिक उत्पादक जो होते हैं वो घास और तालाब बायोम में शैवाल और समुद्री बायोम में फाइटो होते हैं और प्राथमिक उपभोक्ता की बात करें तो बायो घास भूमि बायोम में टिड्डा और कीड़ा और तालाब बायोम में मास्क वीटो लार्वा और समुद्री बायोम में देखो तो जो प्लांग्टन होते हैं और तृतीय द्वितीय उपभोक्ता में चूहा चिड़िया और मेढक जैसे पदार्थ और इसके साथ साथ तालाब बायोम ड्रैगन फ्लाई लार्वा होती है और समुद्री बायोम में इस कैटेगरी में मछली आती है और तृतीय उपभोक्ता की श्रेणी में घास भूमि बायोम में सांप होता है तालाब बायोम में मछली होती है और समुद्री बायोम में सील मछली को ले सकते हैं चतुर्थक उपभोक्ता में भूमि बायोम में बाज और तालाब बायोम में रेकून और समुद्री बायोम में सफ़ेद सार्क मछली हो सकती है मृत जीवी खाद्य श्रृंखला को डेटस कहते हैं चार प्रकार के पोषण स्तर होते हैं पोषण स्तर एक में स्वपोषित प्राथमिक उत्पादक जैसे कि हरे पौधे और पोषण स्तर दो में हरे पौधे पर निर्भर होने वाले शाकाहारी जैसे कि भेड़ बकरी और पोषण स्तर थ्री में पोषक स्तर दो के जीवों खाने वाले मांसाहारी जैसे शेर और बाघ और पोषण स्तर चार में इन तीनों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना भोजन लेने वाले जैसे मनुष्य और अपघटक और उत्पादक स्वपोषी होते हैं और उपभोक्ता विषम पोषी प्रवृत्ति के होते हैं डिस्कस अबाउट द फूड वेब इसको आप कहते हैं खाद्य जाल कई प्रकार की खाद्य श्रृंखलाओं के पारस्परिक संबंध को खाद्य जाल कहते हैं और जटिल आहार श्रृंखला को खाद्य जाल भी कहा जाता है विभिन्न पार्थिक तंत्रों की खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर खाद्य जाल बनाती हैं इसमें ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होते हुए भी कई पथों से होकर गुजरता है और एक संपूर्ण समुदाय के सभी जीवों से संबंधित स्थापित करता हुआ ये खाद्य जाल होता है और किसी निश्चित पोषण स्तर के जीव और ऊर्जा के मौलिक स्रोतों के बीच जितनी बुरी बढ़ती है उन जीवों की एक ही पोषण स्तर पर आहार के लिए निर्भरता में उतनी कमी आती है इसीलिए खाद्य श्रृंखला छोटी होती है और खाद्य जाल बड़े और जटिल होते हैं इस प्रकार से चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ते हैं कि खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में डिफ्रेंसीशन डिफ्रेंशिएट क्या है नाउ द डिफरेंस बिटवीन द खाद्य श्रृंखला एंड खाद्य जाल पहले स्तंभ में मैं खाद्य श्रृंखला को रख रहा हूँ और दूसरे स्तंभ में मैं खाद्य जाल को रख रहा हूँ खाद्य श्रृंखला पारितंत्र में एक जीव के दूसरे जीव में भोज पदार्थों का प्रवाह होता है वहीं पर खाद्य जाल विभिन्न श्रृंखलाएं मिलाकर एक खाद्य जाल बनाई जाती हैं तो इसी प्रकार से खाद्य श्रृंखला उत्पादक विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ता और अपघटक होते हैं जबकि खाद्य जाल कई जीव समुदाय के उपभोक्ता और अपघटक होते हैं इसी प्रकार से खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होते हुए भी कई रास्ते से होकर गुजरता है खाद्य श्रृंखला की बात करें तो खाद्य श्रृंखला पारिस्थितिक तंत्र की एक महत्वपूर्ण प्रारंभिक इकाई है जो एक सरल प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण करती है जबकि खाद्य जाल में पदार्थों का स्थानांतरण एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है ट्रॉफिक लेवल्स पोषण के स्तर क्या हैं जीव को उसके ऊर्जा स्रोत कच्चे माल के आधार पर प्राथमिक ऊर्जा स्तर या प्रथम पोषक स्तर जैसे कि हरे पौधे और रसायन स्वपेशी जीवाणु और द्वितीय ऊर्जा स्तर जिसमें कि शाकाहारी जीव तृतीय ऊर्जा स्तर जिसमें कि मांसाहारी जीव और चतुर्थ ऊर्जा स्तर या चतुर्थ पोषक स्तर जिसमें उच्च वर्गीय सोर्स शीर्ष उपभोक्ता शाकाहारी मांसाहारी दोनों प्रकार के जीवों का शिकार अपने भोजन के लिए करने वाले उच्च वर्गीय शीर्ष उपभोक्ता का लाते हैं शेर चीता जो कि वन में होते हैं और वेल और सार्क समुद्री परितंत्र में होते हैं पांचवा जो स्तर होता है पोषक स्तर उसको टी फाइव घटक बोलते हैं और एक दो तीन चार स्तर के समझ जीव जंतुओं के मृत शरीरों को अवघटित कर देता है सबके शरीरों को अवघटन कर देता है नाउ द बैलेंस इको सिस्टम हर पारितंत्र में कई श्रृंखलाएं होती है जो आपस में मिलकर खाद्य जाल बनाती हैं एक खाद्य जाल में कई वैकल्पिक रास्ते होते हैं किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य जाल में खाद्य श्रृंखलाओं के जितने अधिक वैकल्पिक रास्ते होंगे वो पारितंत्र उतना ही अधिक संतुलित होगा और उसमें जीवों की संख्या अधिक स्थिर रहेगी एक संतुलित पारिस्थितिक तंत्र में जीवों की संख्या, संख्या स्थिर रहती है अब हम डिस्कस कर लेते हैं स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम हर परितंत्र में प्रकृति द्वारा व्यवस्थित स्थापित एक व्यवस्था होती है जिसको कि अंतर्निर्मित स्वतः नियंत्रण व्यवस्था कहते हैं किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में अपने आप अस्थिर अस्थिरता से स्थिरता प्राप्त कर लेने की प्रक्रिया को होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म कहा जाता है इसी के साथ पारिस्थितिकी तंत्र प्रत्येक तत्व के उत्पादन और भोग में संतुलन का आधार है और अंतनिर्मे स्वतः नियंत्रण की क्रियाविधि होती है ये और इसे हेमियोस्टैटिक क्रियाविधि भी कहा जा सकता है पारिस्थितिक तंत्र को और एक सीमा तक प्रकृति का अपने परितंत्र को संतुलित करने की क्षमता होम्योस्टैटिस कहलाती है अपने आप स्थिरता स्थापित करने की क्षमता तभी तक काम करती है पारितंत्र में जब तक कि कोई महान प्राकृतिक या मानव निर्मित जैसे कि हम मान सकते हैं कि ज्वालामुखी के विस्फोट या हाइड्रोजन बम का विस्फोट न हो जाए ऐसी आपदाएँ जब तक न घटित हों तब तक स्वतः स्थिरता स्थापित कर सकती है पारितंत्र अपने आप में इस प्रकार से खाद्य जाल की विविधता बाहरी के अतिक्रमण का सामना करने और आगमन से उत्पन्न असंतुलन के साथ समायोजन करने की पारितंत्र की लोक व क्षमता को बढ़ाती है और खाद्य विविधता परितंत्र में स्थिरता लाती है इसी के साथ खाद्य श्रृंखला कड़ियों की संख्या बढ़ने से उसी अनुपात में पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह के वैकल्पिक रास्ते बढ़ जाते हैं जीवों को पारितंत्र में होने वाले परिवर्तन को सहन करने और उसके साथ अनुकूलन के अवसर प्रदान करते हैं पारिस्थितिक तंत्र में जातियों की विविधता जितनी अधिक होगी उतनी ही स्थिरता उस पारितंत्र की होगी चरम समुदाय वाले प्राण पारिस्थितिक तंत्र में प्रजातियों की विविधता बढ़ने से क्रमिक विकास के अंतिम अनुक्रम और वायु जलवायु चरम की प्राप्ति के बाद पारिस्थितिक तंत्र सबसे ज़्यादा स्थिर दशा को प्राप्त कर लेता है चरण समुदाय वाले चरम समुदाय वाले प्राण पारिस्थितिक तंत्र में प्रजातियों की विविधता बढ़ने पर क्रमिक विकास के अंतिम अनुक्रम या जलवायु चरम की प्राप्ति के बाद पारिस्थितिक तंत्र सबसे ज़्यादा स्थिर दशा को प्राप्त कर लेता है अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि सेरे क्या होता है एस ई -E आर ई -E, पारितंत्र के विकास के अनुक्रमों की संक्रमणकारी अवस्थाओं को सेरे कहा जाता है जो कि पारिस्थितिक तंत्र के श्रृंखलाबद्ध क्रमिक विकास को प्राय दर्शाता है और ये क्रमिक विकास प्राथमिक अनुक्रम से होकर अंतिम अनुक्रम यानी कि जलवायु चरण तक होता है और अंतिम अनुक्रम की प्राप्ति के बाद पारिस्थितिक तंत्र सर्वाधिक स्थिरता को दशा को प्राप्त कर ही लेता है आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं बाय एक जैव संचयन किसी जीव और वनस्पतियों में समय समय के साथ किसी पदार्थ या प्रदूषक के सांद्रण का बढ़ जाना ही जैव संचयन कहलाता है सांद्रण का मंत्र है कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन को ही सांद्रण बोलते हैं और जैव संचयन में जीवों और वनस्पतियों के शरीर में प्रदूषकों का जमाव बढ़ने लगता है अगर कोई मछली किसी प्रदूषित जल में लगातार रहने लगे तो एक समय के बाद उसके उत्तकों में अनिम्नीकृत प्रदूषकों का सांद्रण बढ़ जाता है ये उदाहरण था नाव जैव आवर्धन ये एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर तक जाने पर प्रदूषकों का सांद्रण बढ़ता जाता है एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक जाने पर डीडीटी का सांद्रण बढ़ता है और डी का सांद्रण इसलिए अधिक होता जाता है क्योंकि एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर तक गुजरते हुए इसका उपापचयन उत्सर्जन बहुत धीमा होता है और डी जीवों के वसा में संचित हो जाता है ऐसे उदाहरण से आपने स्पष्ट किया कि किस प्रकार से जैव आवर्धन होता है अब हम अगला बहुत ही वेरी वेरी वेरी, वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स पारिस्थितिकी पिरामिड सबसे पहले चार्ल्स एल्टन ने कहा था कि एल्टेनियन पिरामिड किसी भी पारिस्थितिक तंत्र के उत्पादक उपभोक्ता की संख्या जीव भार और सर्जित ऊंजा के परस्पर संबंधों के चित्त निरीपण को पारिस्थितिकी पिरामिड कहते हैं इसमें पहला है जीव संख्या का पिरामिड उत्पादक उपभोक्ता की संख्या का पिरामिड और दूसरा है जीव भार का पिरामिड उत्पादक और उपभोक्ताओं के जीव भार का पिरामिड और तीसरा है संचित ऊर्जा का पिरामिड पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न पोषण स्तरों के जीवधारियों द्वारा प्रयोग में लाई गई संपूर्ण ऊर्जा का पिरामिड नाउ द पिरामिड ऑफ नंबर जीव संख्या का पिरामिड इसका आधार सदैव प्राथमिक उपभोक्ताओं की संख्या को दर्शाता है आधार के के ऊपर भाग प्राथमिक को दर्शाते हैं और ऊपरी भाग उच्चतम श्रेणी के मांसाहारी जंतुओं की संख्या को व्यक्त करता है ये सीधा और उल्टा दोनों प्रकार का होता है घास स्थली पारितंत्र पिरामिड यह सीधा होता है क्योंकि इसमें प्राथमिक उत्पादकों की संख्या अधिक होती है और फसल स्थली पारितंत्र का पिरामिड सीधा होता है क्योंकि इसमें प्राथमिक उत्पादकों की संख्या अधिक होती है और पेड़ के पारिस्थितिकी पारितंत्र का पिरामिड उल्टा होता है क्योंकि इसमें प्राथमिक उत्पादक की संख्या एक है जो कि स्वयं में ही पेड़ है और इसके उत्पाद को उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ती ही जाती है नाउ द पिरामिड ऑफ बायोमास जीव भार का पिरामिड इसके आधार पर सदैव प्राथमिक उत्पादकों के भार को दिखाया जाता है और ऊपर के भार पर उपभोक्ता जंतुओं का भार दिखाया जाता है ये सीधा और उल्टा दोनों प्रकार का होता है वन और घास स्थल पिरामिड का जीव भार का पिरामिड हमेशा सीधा होता है क्योंकि दोनों तंत्रों के प्राथमिक उत्पादकों का भार विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं से अधिक होता है और तालाब के पारितंत्र के जीव भार का पिरामिड उल्टा होता है क्योंकि इसमें प्राथमिक उत्पादकों की संख्या अधिक होते हुए भी भार कम हो जाता है और उच्च मांसाहारी जंतुओं जैसे कि बड़ी मछलियों की संख्या कम होते हुए भी ये भार इनका अधिक हो जाता है नाउ द पिरामिड ऑफ एनर्जी प्राथमिक उत्पादकों को आधार पर दिखाया जाता है इनमें संचित ऊर्जा सर्वाधिक होती है संचित ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा ही बनाया जाता है इसमें प्रत्येक पोषण स्तर पर प्रति इकाई क्षेत्रफल में प्रति समय इकाई पर प्रयोग में लाई गई ऊर्जा की कुल मात्रा को प्रदर्शित कर सकते हैं और बढ़ते पोषण स्तर के साथ ऊर्जा की उपलब्धता घटती जाती है प्रत्येक पोषण स्तर के जीव में केवल 10 परसेंट ऊर्जा ही अगले पोषण स्तर को स्थानांतरित होती है आज का लेक्चर यहीं तक आज का लेक्चर आपको कैसा लगा आज का लेक्चर था पर्यावरण परिस्थिति और जैव विविधता आज का लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा हो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक से इंपॉर्टेंट पी डाउनलोड जरूर करें मेरे चैनल का नाम है कॉमटेरिया सभी पढ़ें सभी बढ़ें अगर मेरा चैनल चे अच्छा लगता हो मेरे वीडियोस अच्छे लगते हों कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि आज का लेक्चर आपको कैसा लगा सभी पढ़ें सभी बढ़ें धन्यवाद